नमस्कार। और इस सीरीज़ में हम देख रहे हैं आपके चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन, जिसमें हमने 5 चैप्टर अभी तक कवर कर लिए हैं। अगर ना देखा हो तो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी प्लेलिस्ट की, वहां से आप देख सकते हैं। अब चल रहे हैं शुरू करना है अपना चैप्टर नंबर 6, इंटरनेट के बारे में ये चैप्टर है और उसी से रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन आने वाले हैं। और आपका जो ट्रिपल सी का और ओ लेवल का पहला पेपर है, उससे ये चैप्टर से काफ़ी सवाल पूछे जाते हैं, मतलब भर भर के सवाल इस टॉपिक से यहाँ पर पूछा जाता है आपके एग्ज़ाम में। तो चलिए पहला सवाल देखते हैं कि कंप्यूटर का वह विशाल नेटवर्क जो पूरी दुनिया में लाखों लोगों को जोड़ता है वो क्या कहलाता है। द वास्ट नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर दैट कनेक्ट मिलियंस ऑफ पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड इज कॉल्ड। तो कंप्यूटर का जो बहुत बड़ा नेटवर्क है जो लाखों लोगों को जोड़ता है, क्या उसको लैन कहते हैं? लैन क्या होता है? लोकल एरिया नेटवर्क होता है, छोटी दूरी के लिए। नहीं, वेब कहते हैं। नहीं, हाइपर टेक्स्ट तो इससे कोई रिलेटेड है ही नहीं, हाइपर टेक्स्ट। तो यहाँ पर ये तीनों जवाब गलत हैं। इंटरनेट, क्या इंटरनेट इस चीज़ को कहते हैं? तो इंटरनेट ही तो होता है नेटवर्क का कॉम्बिनेशन, या लोगों को जोड़ने वाला, कंप्यूटर्स को जोड़ने वाला क्या कहलाता है? इंटरनेट ही कहलाता है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन सबसे सही है। चलिए अगला सवाल दूसरे नंबर का। टू और मोर कंप्यूटर्स कनेक्टेड टू ईच अदर फॉर शेयरिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम, सूचना को साझा करने के लिए दो या दो से अधिक कंप्यूटर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो इसको क्या कहते हैं? एक दूसरे से दो या दो से अधिक कंप्यूटर अगर जुड़ते हैं तो क्या वो नेटवर्क बनाते हैं, राउटर बनाते हैं, सर्वर बनाते हैं या टनल बनाते हैं? तो देखिए, नेटवर्क की डेफिनेशन ही होती है दो या दो से अधिक कंप्यूटरों का समूह, क्या कहलाता है? नेटवर्क। टू और मोर कंप्यूटर्स आर इंटरकनेक्टेड विथ ईच अदर देन इट इज़ कॉल्ड नेटवर्क। तो यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद चलिए अगला सवाल देखते हैं। कंप्यूटर नेटवर्क इज, कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है? तो यहाँ पर पहला ऑप्शन देखते हैं, कलेक्शन ऑफ हार्डवेयर कंपोनेंट्स एंड कंप्यूटर, क्या इसको नेटवर्क कहते हैं? तो कह सकते हैं इस चीज़ को। इंटरकनेक्टेड बाय कम्युनिकेशन चैनल्स, ये भी आपका नेटवर्क का, नेटवर्क का मतलब सिर्फ इतना है दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर डिवाइसेस आपस में इंटरकनेक्टेड हों, जानकारियों को साझा कर सकते हों, तो ये चीज़ भी सही है। रिसोर्स और इन्फॉर्मेशन को शेयर करने वाली, शेयर कब करेंगी? जब साझा होंगी, आपस में जुड़ी होंगी, तो ये भी सही है। तो तीनों ऑप्शन यहाँ पर सही हैं आपके, तो ऑल द एवब पे आपको टिक कर देना है। चलिए इसके बाद देखते हैं चौथा सवाल। द हार्डवेयर दैट आर अवेलेबल टू अ कंप्यूटर ऑन अ पर्टिकुलर नेटवर्क आर नोन एज, किसी विशेष नेटवर्क पर कंप्यूटर के लिए उपलब्ध हार्डवेयर को डैश डैश के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ पर अगर ऑप्शन में देखें, रिसोर्सेज, क्लाइंट, सर्वर या प्रोटोकॉल, तो किसी विशेष नेटवर्क पर कंप्यूटर के लिए उपलब्ध हार्डवेयर को कहते हैं हम रिसोर्सेस, संसाधन कहते हैं। तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। चलिए पांचवा सवाल देख रहे हैं। द एडवांटेज ऑफ लैन इज, लैन के क्या एडवांटेज हैं? तो लैन आपका क्या होता है? लोकल एरिया नेटवर्क होता है, ऐसे नेटवर्क जो कम दूरी में फैले हुए हों, जिनका एरिया कवर जो करता है वो कम दूरी का करता है, उसको हम लोकल एरिया नेटवर्क कहते हैं। जैसे ऑफिस में फैला नेटवर्क कंप्यूटर का क्या कहलाएगा? लोकल एरिया नेटवर्क कहलाएगा। बिल्डिंग में फैला नेटवर्क या किसी फ्लोर भर में फैला नेटवर्क, ये सारे लैन के अंतर्गत आते हैं। और यहाँ पर इसका मुख्य एडवांटेज क्या है? शेयरिंग पेरिफेरल्स, बैकअप योर डेटा, सेविंग ऑल योर डेटा, एक्सेसिंग द वेब। तो यहाँ पर शेयरिंग पेरिफेरल देखिए कि संसाधनों का जो अंग हैं, जैसे प्रिंटर है या ऐसे डिवाइसेस हैं, इनको शेयर कर पाना आसान हो जाता है लोकल एरिया नेटवर्क के थ्रू। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। चलिए केबल टीवी नेटवर्क इज एग्जांपल ऑफ, केबल टीवी नेटवर्क किस चीज़ का एग्जांपल होता है? लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क, पर्सनल एरिया नेटवर्क। तो देखिए, लोकल एरिया नेटवर्क एक कमरे तक फैला है, तो केबल टीवी तो ऐसा होता नहीं है। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क ऐसा नेटवर्क जो शहर भर में या एक शहर से दूसरे शहर में फैला हो। वाइड एरिया नेटवर्क जो देश भर में या एक देश को दूसरे देश से वर्ल्ड वाइड आपको कनेक्ट कर रहा हो। पैन एरिया नेटवर्क जो आपका, सॉरी, पैन मतलब पर्सनल एरिया नेटवर्क, जो कि आपको किसी पर्सनल काम के लिए एक नेटवर्क बनाने की सुविधा देता है, जैसे ब्लूटूथ या हॉटस्पॉट जैसी चीज़। तो यहाँ पर जो केबल टीवी होता है वो जनरली शहर भर में ही फैला रहता है, शहर भर में इसका काम होता है, तो ये आपका मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क के अंतर्गत आ जाएगा। चलिए देख रहे हैं सातवां सवाल। विच टाइप ऑफ नेटवर्क वुड यूज़ फोन लाइन्स, फ़ोन लाइन्स किस तरीके का नेटवर्क यूज़ करती हैं? तो देखिए, वैन, लैन, डब्ल्यू वैन या वायरलेस। तो देखिए, जो आपका फ़ोन लाइन होता है वो पूरे कंट्री भर में फैला होता है, तो वो आपका वाइड एरिया नेटवर्क के अंतर्गत आएगा। ठीक है, वाइड एरिया नेटवर्क मतलब जिसकी रेंज जो है लोकल एरिया और मेट्रोपॉलिटन एरिया से ज़्यादा होती हो। अगला देखते हैं।
जियोमेट्रिक अरेंजमेंट ऑफ डिवाइसेस ऑन द नेटवर्क इज कॉल्ड, तो जो आपका फिजिकल अरेंजमेंट होता है, जियोमेट्रिकल अरेंजमेंट होता है डिवाइसेस का किसी भी नेटवर्क में, उसको हम टोपोलॉजी कहते हैं। टोपोलॉजी का डेफिनेशन यही है कि फिजिकल अरेंजमेंट ऑफ सिस्टम्स इज नोन एज टोपोलॉजी। ये कई तरीके की होती हैं, जो पढ़ा होगा आपने, बस, स्टार, रिंग, मेस, ट्री, हाइब्रिड, ये कुछ तरीके की टोपोलॉजी होती हैं। तो यहाँ पर आपका सही जवाब टोपोलॉजी हो जाएगा। चलिए अगला देख रहे हैं, आपका नौवां सवाल, नेटवर्क कंपोनेंट आर कनेक्टेड टू द सेम केबल इन द डैश डैश टोपोलॉजी, तो जो नेटवर्क के सारे कंपोनेंट हैं एक ही तार से किस टोपोलॉजी में जुड़े हुए होते हैं, मतलब एक तार है और उसी से सारे नेटवर्क के टोपोलॉजी आपकी जुड़ी हुई हैं, सारे नेटवर्क के कंपोनेंट जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पर देखिए, क्या वो स्टार होता है, रिंग होता है, बस होता है, मिस होता है, तो सबसे बेसिक वाली टोपोलॉजी ये होती है जो सबसे पहले पढ़ते हैं आप टोपोलॉजी पढ़ते समय, और वो टोपोलॉजी होती है आपकी बस टोपोलॉजी। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन एकदम से करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद देखिए दसवां ऑप्शन, वॉट इज़ द सेंट्रल डिवाइस इन स्टार टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी में सेंट्रल डिवाइस जो होती है उसको क्या कहते हैं, क्या उसको STP सर्वर कहते हैं, हब स्विच कहते हैं, PDC कहते हैं, राउटर कहते हैं। तो स्टार टोपोलॉजी जब आपने पढ़ी होगी तो उसमें एक मेन कंप्यूटर होता था और उसी से सब कंप्यूटर जुड़े हुए होते हैं, और ये हमारा हब या स्विच होता था, मेन कंप्यूटर जो होता था। यहाँ पर आपका बी ऑप्शन एकदम से सही है। आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग टोपोलॉजी इज लीस्ट अफेक्टेड बाई एडिशन रिमूवल ऑफ अ नोड, मतलब इनमें से कौन सी टोपोलॉजी को सबसे कम फर्क पड़ता है किसी भी डिवाइस को ऐड करने, किसी भी नोड को ऐड करने और हटाने में, तो रिंग होता है, स्टार होता है, बस होता है या नेट होता है। देखिए स्टार टोपोलॉजी में हर कंप्यूटर अलग से जुड़ा है मेन कंप्यूटर से, तो उसमें कंप्यूटर हटाना काफ़ी आसान होता है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही है। चलिए अगला देख रहे हैं, बारहवां सवाल, द डैश डैश टोपोलॉजी सिमुलेट्स हायरार्किकल फ्लो ऑफ डेटा, तो यहाँ पर आपका सही हो जाएगा स्टार, ट्री या रिंग या मेस। तो आपका जो हायरार्किकल वाला फ्लो होता है वो आपका ट्री में होता है, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर भी उसी तरीके से बनता है जैसे आपका एक स्टेप के बाद दूसरा स्टेप आना हो, इस तरीके से ये बनता है, इसका स्ट्रक्चर भी इसी तरीके से होता है। चलिए अगला देख रहे हैं, आपका तेरहवां सवाल, डैश डैश अलाउ मोर डिवाइसेस टू बी अटैच्ड टू अ सिंगल हब, डैश डैश अधिक उपकरणों को एक ही हब से जोड़ने की अनुमति देता है, स्टार टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, ट्री टोपोलॉजी या मेश टोपोलॉजी। तो यहाँ पर जो आपका सही जवाब है वो है ट्री टोपोलॉजी। ठीक है, पूछा सवाल क्या गया था, ऐसी कौन सी टोपोलॉजी है जो आपको एक से अधिक डिवाइसेस को सिंगल हब से जोड़ने की सुविधा देता है, तो वो आपका ट्री टोपोलॉजी है। ठीक, चलिए अगला देख रहे हैं, चौदहवां सवाल, इट इज़ अ नेटवर्क ऑफ नेटवर्क दैट कनेक्ट मिलियंस ऑफ कंप्यूटर, तो इसके लिए तो आपको इंटरनेट की अगर डेफिनेशन याद हो तो भी आप कर सकते हैं। इंटरनेट की डेफिनेशन क्या दी, नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स इज़ नोन एज इंटरनेट। अब यहाँ पर यही चीज़ लिखी हुई है, किसी भी किताब में देखेंगे नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स इज़ नोन एज इंटरनेट, और यहाँ पर नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स को ही पूछा गया है क्या कहते हैं, तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन इंटरनेट बिना सोचे आपको सही कर देना चाहिए। इसके बाद देख रहे हैं अपना पंद्रहवां सवाल, ARPANET का फुल फॉर्म यहाँ पर पूछा गया है, और अगर ARPANET का फुल फॉर्म कहें तो एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, आपका डी ऑप्शन एकदम से यहाँ पर करेक्ट है। इसके बाद चलिए अगला सवाल देख रहे हैं, सोलहवां सवाल, द फर्स्ट कंप्यूटर नेटवर्क ऑफ वर्ल्ड, दुनिया का पहला कंप्यूटर नेटवर्क कौन सा था, तो ये आपका ARPANET ही था, इसीलिए इसका सवाल भी काफ़ी पूछा जाता है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही है, दुनिया का पहला कंप्यूटर नेटवर्क ARPANET था, जिसका फुल फॉर्म अभी आपने ऊपर देखा। इसके बाद सत्रहवां सवाल है, द WWW इज मेड अप ऑफ द सेट ऑफ इंटरकनेक्टेड डैश डैश दैट आर लिंक टू ओवर द इंटरनेट, WWW इंटरकनेक्टेड डैश डैश का सेट से बना है जो कि इंटरनेट पर एक साथ जुड़े हुए होते हैं। तो देखिए WWW कैसे बना है, कई सारे जब वेब पेज आपस में जुड़ते हैं वेबसाइट बनती है और वही सब मिलकर आपस में WWW बनाते हैं, तो जो वेब पेजेस होते हैं वही आपस में जुड़ते हैं, यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स में वेब पेज होगा, ऑप्शन में भी देखें तो बी ऑप्शन आपका सही है। इसके बाद अगला सवाल देख रहे हैं जो कि 18वां सवाल है यहाँ पर हमारा, वेब पेजेस इज क्रिएटेड यूजिंग लैंग्वेज, वेब पेज किस लैंग्वेज का इस्तेमाल करके बनाया जाता है, XML, जावा, सी या HTML, तो जो आपका स्ट्रक्चर होता है किसी भी वेबसाइट का वो HTML का ही यूज़ करके बनाया जाता है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही है। 19वां सवाल है, अब वेबसाइट इज़ कलेक्शन ऑफ, वेबसाइट किस चीज़ से बना है,
तो आप बताइए कोई भी वेबसाइट उठा लीजिए, वो किस चीज़ से बनी है। तो किसी भी वेबसाइट को डेफिनेशन जब पढ़ेंगे उसकी, तो लिखा होता है वेबसाइट इज़ कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस। कई सारे वेब पेज लीजिए जो कि सिमिलर टाइप के हों, उनको मिला दीजिए तो आपकी वेबसाइट बन जाएगी। यहाँ पर देखिए वेबसाइट इज़ कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस, तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही है, वेबसाइट वेब पेजेस का ही कलेक्शन होता है। उसके बाद 20वां सवाल है, ब्राउज़र आर हेल्पफुल टू व्यू। ब्राउज़र सहायता करता है आपको देखने में किस चीज़ की, मतलब ब्राउज़र से आप क्या चीज़ देखते हैं। तो आप बताइए जब आप गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स या कुछ भी ओपन करते हैं ब्राउज़र, तो उससे क्या ओपन होता है। उससे आपका वेब पेज ही तो ओपन होता है, चाहे आप फेसबुक खोलें, चाहे इंस्टाग्राम खोलें, चाहे कोई भी वेबसाइट खोलें, यूट्यूब खोलें, तो ये सारा आपका वेब पेज ही तो है। और ये किसकी सहायता से खुल रहा है, आपका ब्राउज़र की सहायता से खुल रहा है। तो यहाँ पर ब्राउज़र आर हेल्पफुल टू व्यू आपका वेब पेजेस हो जाएगा, बी ऑप्शन एकदम से आपका करेक्ट है। इसके बाद चलिए 21वां सवाल, URL stands for, URL का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है। तो URL क्या होता है, किसी फाइल का एड्रेस होता है जो कि किसी फाइल के एड्रेस को बताता है, और फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, किसी निश्चित पता बताने वाली चीज़ को URL कहते हैं इंटरनेट की दुनिया में। अब यहाँ पर ऑप्शन देखें तो आपका ए ऑप्शन ही एकदम से करेक्ट है। अगला सवाल 22वें नंबर का सवाल है ये, डैश डैश इज द वेब एड्रेस फॉर अ वेबसाइट और वेब पेज। किसी भी वेबसाइट या वेब पेज के वेब एड्रेस को क्या चीज़ कहेंगे, क्या उसको डोमेन नेम कहेंगे, ईमेल अकाउंट कहेंगे, होम पेज कहेंगे या यूआरएल कहेंगे। तो उस चीज़ को यूआरएल कहेंगे। ऊपर ही हमने बताया वेबसाइट या वेब पेज के एड्रेस को क्या कहते हैं, हम उस चीज़ को कहते हैं यूआरएल। अभी बगल में जनरेटर ऑन हो गया है, उम्मीद करता हूँ इस माइक से उसकी आवाज़ नहीं रिकॉर्ड हो रही होगी। आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, चल रहे हैं अपने 23वें सवाल की तरफ। यहाँ पर देखिए द बेसिक पर्पज ऑफ यू आर एल इज़ टू लोकेट, आपका जो यू आर एल का जो बेसिक मुख्य उद्देश्य था वो क्या था, वेब सर्वर, आईपी एड्रेस, वेब पेज या नोड। तो यू आर एल का एक सिंपल सा पता था कि कोई वेबसाइट बनी हुई है, किसी कंप्यूटर में रखी हुई है, उस वेबसाइट के आईपी एड्रेस, उस कंप्यूटर के जहाँ पर वो वेब पेज रखा है उसके आईपी एड्रेस को ही बताता है ये यू आर एल। जो आप टाइप करते हैं www.youtube.com, इस तरीके से जब आप टाइप करते हैं तो ये आपका अक्षर जो है ये आईपी एड्रेस तक ही पहुंचाता है आपको किसी भी कंप्यूटर के। अब इसको डीपली मैं समझा सकता हूं एक लेक्चर में, लेकिन ये क्योंकि क्वेश्चन है तो यहां पर बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इसके बाद बढ़ते हैं 24वें सवाल की तरफ, एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन वुड जनरली हैव द फॉलोइंग इन इट्स डोमेन नेम। कोई अगर आपका शैक्षणिक संस्थान है तो उसकी वेबसाइट के डोमेन नेम में इनमें से क्या चीज़ होगी, क्या .org होगा, .edu होगा, .inst होगा या .com होगा। तो ये तो कोई बच्चा भी बता ले, अगर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है आपका तो आपकी वेबसाइट में .edu लगा रहेगा, ये निश्चित है लगभग लगभग जगहों पर। यहाँ पर बी ऑप्शन सही है। देखते हैं 25वां सवाल क्या है, विच इज़ नॉट द कम्युनिकेशन फीचर ऑफ इंटरनेट। इंटरनेट का इनमें से कौन सा कम्युनिकेशन फीचर नहीं है, मतलब किस फीचर से आप कम्युनिकेट नहीं कर सकते हो इंटरनेट में। इसमें से ईमेल से क्या कम्युनिकेट हो सकता है, जाहिर सी बात है। न्यूज़ ग्रुप से क्या कम्युनिकेशन होता है, जाहिर सी बात है होता है। चैट से क्या कम्युनिकेशन होता है, तो वो होता ही है, देख ही रहे हो आप लोग। डिज़ाइनिंग से क्या कम्युनिकेशन होता है, तो नहीं है। डिज़ाइनिंग से तो किसी तरीके का कम्युनिकेशन हो नहीं रहा है, तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन अलग है, इसी को हमको करेक्ट करना है क्योंकि नॉट पूछा गया है। तो यहाँ पर आपका एक सेकंड डी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए 26वें सवाल की तरफ चल रहे हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इज़ यूज फॉर, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का इस्तेमाल किस लिए होता है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग तो लगभग लोगों को पता ही होगी आज के समय में, टॉकिंग ईच अदर, एक दूसरे से बात करने के लिए क्या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का इस्तेमाल होता है, होता है। कम्युनिकेटिंग पर्पस, मतलब एक दूसरे से संचार करने के लिए, कम्युनिकेशन करने के लिए भी किया जाता है। लाइव कन्वर्सेशन, मतलब एक दूसरे से एकदम लाइव, मतलब प्रेजेंट टाइम में कम्युनिकेट करना, देख के इसमें कम्युनिकेट कर सकते हैं, तो लाइव कम्युनिकेशन है, ये भी सही है। ये तीनों चीज़ का यूज़ किया जाता है, मतलब तीनों पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलो आ गए 27 नंबर पे, डैश डैश इंक्लूड्स शेयरिंग बिजनेस इंफॉर्मेशन, मेंटेनिंग बिजनेस रिलेशनशिप एंड कंडक्टिंग बिजनेस ट्रांजेक्शन बाई मीन ऑफ टेली कम्युनिकेशन नेटवर्क। डैश डैश इसमें व्यावसायिक जानकारी साझा करना, व्यावसायिक संबंध बनाए रखना और टेली संचार नेटवर्क के माध्यम से व्यावसायिक लेन देन करना शामिल होता है, तो उस चीज़ को क्या कहते हैं। तो देखिए जहाँ पर भी कुछ लेन देन वाला मामला आता है उसको हम कहते हैं कॉमर्स,
और क्योंकि वो इंटरनेट की मदद से हो रहा है तो वो है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, और कोई भी ऐसा लेन देन या कोई भी काम जो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होता है उस नाम के आगे ई लगा दिया जाता है, तो इस चीज़ को हम कहेंगे ई कॉमर्स। ई कॉमर्स इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कॉमर्स लेन देन जैसी चीज़ हो रही है तो इसको कहेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, इंटरनेट की मदद से कॉमर्स करना, कॉमर्शियल काम करना। चलो 28वां सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग वेबसाइट इज नॉट यूज फॉर जॉब सर्च। जॉब सर्च के लिए इनमें से कौन सी वेबसाइट उपयोगी नहीं है? तो क्या यहाँ पर monster.com का इस्तेमाल होता है? ये एक वेबसाइट है जिससे जॉब आप सर्च कर सकते हैं। recruitment.com इससे भी कर सकते हैं, naukri.com इससे भी कर सकते हैं, MySpace ये आपकी जॉब से रिलेटेड वेबसाइट नहीं है, तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा क्योंकि नॉट पूछा गया था। चलिए अगला, डैश डैश रेफर्स टू द कंपनी दैट प्रोवाइड इंटरनेट कनेक्शन टू द यूज़र यूजुअली फॉर अ फ्री। डैश डैश उस कंपनी को संदर्भित करता है जो कि उपयोगकर्ता को आमतौर पर शुल्क के लिए इंटरनेट प्रोवाइड करता है। तो जो शुल्क के लिए इंटरनेट प्रोवाइड करता है उसको क्या कहेंगे? ब्रॉडबैंड कनेक्शन, डायल अप कनेक्शन, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर या वायरलेस कनेक्शन। तो यहाँ पर ध्यान से आपने ऑप्शन ही पढ़ा होगा, पूछ रहा है प्रोवाइड इंटरनेट और यहाँ पर है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करने वाले को क्या कहते हैं? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। यहाँ पर सी ऑप्शन ही सही है। इसके बाद देखिए 30वां सवाल क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन। इनमें से कौन सा ब्रॉडबैंड टाइप का इंटरनेट कनेक्शन नहीं है? केबल, DSL, डायल अप या सैटेलाइट। तो ये डायल अप आपका नहीं है, यहाँ पर सी ऑप्शन पे सही कर देना है। चलिए अगला देखते हैं, 31वां सवाल क्या है, DSL इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच कनेक्शन। DSL इनमें से किस कनेक्शन का उदाहरण है? नेटवर्क, वायरलेस, स्लो या ब्रॉडबैंड। तो DSL आपका ब्रॉडबैंड टाइप के कनेक्शन का एग्जाम्पल है, यहाँ पर डी ऑप्शन सही कर देना है। इसके बाद बारी है अपने 32वें सवाल की, विच ऑफ द फॉलोइंग अलाउज हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन विदाउट यूज ऑफ केबल और वायर। मतलब इनमें से कौन सा तेज स्पीड में इंटरनेट चलाने की सुविधा देता है बिना तार और केबल के इस्तेमाल के? यहाँ पर ऑप्शन देखिए, वायरलेस फिडेलिटी जिसे आप वाईफाई कहते हैं, फाइबर ऑप्टिक, केबल मॉडेम, डायल अप कनेक्शन। तो ये तीनों तो तार वाले हैं, यही एक बिना तार वाला है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही है, वाईफाई बिना तार के चलता है, आपको पता ही होगा। 33वां है, स्टैंडर्ड स्ट्रेट थ्रू केबल इज यूज फॉर कनेक्टिंग कंप्यूटर विथ। कंप्यूटर को कनेक्ट करने के लिए स्टैंडर्ड स्ट्रेट थ्रू केबल का उपयोग किया जाता है। यहाँ पर राउटर, स्विच, हब या ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ पर ऑल ऑफ दीज आपका एकदम करेक्ट ऑप्शन है। इसके बाद 34वां सवाल है, डैश डैश इज द प्रोसेस ऑफ शेयरिंग योर फोन्स मोबाइल डेटा टू एक्सेस द इंटरनेट ऑन द अदर डिवाइसेस लाइक लैपटॉप। मतलब कि डैश डैश लैपटॉप जैसे अन्य उपकरणों पर इंटरनेट पहुंचाने के लिए आपके फ़ोन से मोबाइल डेटा का साझा करने की प्रक्रिया है। तो मान लो आपके फ़ोन में इंटरनेट है लेकिन आपके लैपटॉप में इंटरनेट नहीं है, तो आप लैपटॉप में इंटरनेट चलाना चाहते हैं तो मोबाइल की कौन सी ऐसी सुविधा है जिसके द्वारा आप इस चीज़ को कर सकते हैं? इसका उपयोग भी आपने बहुत बार किया होगा, ये है आपका बी ऑप्शन, टीथरिंग। ठीक है, ये आपका आपको वाईफाई वाले ऑप्शन के नीचे मिल जाता है, इससे आप अपना इंटरनेट शेयर कर सकते हैं किसी और लैपटॉप, फ़ोन या कंप्यूटर में। चलिए अगला चल रहे हैं, अ सेट ऑफ रूल्स इज कॉल्ड। अब इंटरनेट जो भी पढ़े होंगे उनको ये चीज़ पढ़ाई गई होगी, जब आप पढ़ते हैं प्रोटोकॉल तो वहाँ पर बताया जाता है प्रोटोकॉल क्या है, नियमों के समूह को प्रोटोकॉल कहते हैं। सेट ऑफ रूल्स इज नोन एज प्रोटोकॉल। तो पूछा जा रहा है सेट ऑफ रूल्स को क्या कहते हैं, उसको कहते हैं प्रोटोकॉल, यहाँ पर बी ऑप्शन सही है। इसके बाद चलिए अगला सवाल 36वां, विच प्रोटोकॉल्स अलाउज डिफरेंट कंप्यूटर टू कम्युनिकेट बाई क्रिएटिंग अ नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स। कौन सी प्रोटोकॉल या सुविधा देती है अलग कंप्यूटर को कनेक्ट करके नेटवर्क ऑफ नेटवर्क बनाकर संचार करने की? तो क्या वो TCP होती है, क्या वो FTP होती है, क्या वो IP होती है या SMTP होती है? तो IP जो आपकी इंटरनेट प्रोटोकॉल होती है उसी की सहायता से ये काम हो सकता है। ऐसा क्यों है?
क्योंकि इंटरनेट प्रोटोकॉल आईपी ही आपके कंप्यूटर की पहचान है, जिससे एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर को पहचानता है और उसके साथ संचार कर पाता है। अगर ये नहीं होगा तो कंप्यूटर जान ही नहीं पाएगा कि किस कंप्यूटर का मैसेज है और किस कंप्यूटर के पास पहुंचाना है। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल अलाउज डिलीवरी ऑफ वॉइस कम्युनिकेशन ओवर आईपी नेटवर्क। तो इसमें आपका वीओआईपी इन्वॉल्व होता है, ये प्रोटोकॉल है, ए ऑप्शन सही है। चलिए अगला देखते हैं जो कि 38वां सवाल है। एड्रेस इज़ अ लॉजिकल न्यूमेरिक एड्रेस दैट इज़ असाइन टू एवरी सिंगल कंप्यूटर और डिवाइस। ऐसा एड्रेस जो कि नंबर के फॉर्म में होता है और हर कंप्यूटर को असाइन किया जाता है। तो अभी हमने ऊपर पढ़ा कि ऐसी चीज़ जिससे एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर को पहचानता है वो आपका आईपी एड्रेस होता है, और आईपी एड्रेस नंबर के फॉर्म में होता है। ये हर कंप्यूटर को मिलता है जिससे एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर को पहचान पाता है। आईपी एड्रेस वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो इस चीज़ को अच्छे से समझ पाएंगे। लेक्चर्स भी हमने डाल रखे हैं, देखना चाहें तो देख लीजिएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में उसकी भी डाल दूंगा। चलिए यहाँ पर देखते हैं क्या सही होगा। तो आईपी एड्रेस आपका यहाँ पर सही है। इसके बाद देखिए 39th नंबर का क्वेश्चन है। वर्जन ऑफ आईपी इंटरनेट प्रोटोकॉल इज़, इंटरनेट प्रोटोकॉल का क्या वर्जन होता है। देखिए आईपी का जो वर्जन होता है वो दो वर्जन होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 और इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6। अब ये दो टाइप के वर्जन होते हैं। यहाँ पर ऑप्शन में देखिए तो IPv4 भी दिया है, IPv6 भी दिया है, तो बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। IPv4 इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 और IPv6 मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6। 40वां क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following is a 6-byte address that allows NIC to be uniquely identified on the network? तो इनमें से किसकी सहायता से ये होता है, तो MAC address की सहायता से, MAC की सहायता से ये होता है, A option correct है। चलिए आखिरी के 10 सवाल देखने जा रहे हैं। यहाँ पर उम्मीद है आपको ये लेक्चर पसंद आ रहा होगा, और मतलब यहाँ तक बने हैं तो ये लेक्चर काम का आपके होगा ही। तो अगर ऐसा है, यहाँ तक बने हैं, तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। शुरू में ये चीज़ मैं कभी नहीं बोलता हूँ। चलिए, विच कमांड इज़ यूज टू फाइंड मैक एड्रेस ऑफ कंप्यूटर। किस कमांड की सहायता से आप कंप्यूटर के मैक एड्रेस को फाइंड कर सकते हैं। तो आप आईपी कॉन्फिग आल का यूज़ करके इसको फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पर ऑप्शन में देखें तो आपका बी ऑप्शन है, ठीक है। इसको टाइप करेंगे तो आपका मैक एड्रेस निकल कर आ जाएगा। 42वां सवाल है। फुल फॉर्म ऑफ IMEI, जब फ़ोन खो जाता है तो IMEI नंबर की सहायता से आप उसे ट्रैक कर सकते हैं, भले ही सिम क्यों ना बदल दिया गया हो, क्योंकि IMEI आपके उस फ़ोन के हार्डवेयर के एड्रेस से जुड़ा हुआ है। तो उसी IMEI का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है, तो वो आपका होता है इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही है, इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी। इसके बाद देखिए 43वां सवाल क्या है। हाउ टू फाइंड IMEI नंबर ऑफ एनी फ़ोन। तो किसी भी फ़ोन का IMEI नंबर कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो वैसे तो डिब्बे में ये लिखा ही होता है IMEI नंबर क्या है, लेकिन आप उसे अगर फ़ोन से फाइंड करना चाहें तो आपको एक कोड, आपको जहाँ से नंबर डायल करते हैं वहाँ पर एक कोड लिखना पड़ता है, वही कोड यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो वो होता है आपका *#06#। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका एकदम से करेक्ट है। चलिए अगला देख रहे हैं जो कि 44वां क्वेश्चन है। अ वेब ब्राउज़र इज़ अ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन फॉर एक्सेसिंग इन्फॉर्मेशन ऑन द वेब ब्राउज़र, जानकारी तक पहुँचाने के लिए एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है। यहाँ पर आपका www वेबसाइट, वेब पेज या URL, तो आपका यहाँ पर www वर्ल्ड वाइड वेब सही हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अ ब्राउज़र इज़, ब्राउज़र क्या होता है। तो देखिए ब्राउज़र एक सॉफ्टवेयर है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, जिसकी सहायता से कोई भी यूज़र इंटरनेट को एक्सेस कर सकता है, इंटरनेट को चला सकता है, वेबसाइट को ओपन कर सकता है। अब देखिए ऑप्शन, द प्रोग्राम टू कनेक्ट इंटरनेट, इंटरनेट से जुड़ने के लिए वेब ब्राउज़र का इस्तेमाल किया जाता है। जाहिर सी बात है, फ़ोन में आप गूगल क्रोम या कुछ खोलते हैं तभी आपका इंटरनेट आप चला पाते हैं। दूसरा देखिए, द प्रोग्राम टू क्रिएट वेबसाइट, वेबसाइट को क्रिएट करने के लिए भी इसका इस्तेमाल होता है, सही बात है। अब प्रोग्राम टू यूज़ टू व्यू साइट्स ऑन वेब, ऐसा प्रोग्राम जिसकी सहायता से आप वेबसाइट को ओपन कर पाते हैं, ये भी सही है। तो तीनों चीज़ सही है, तो ऑल द एवव यहाँ पर एकदम करेक्ट हो जाएगा, ठीक। चलिए 46वां सवाल। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज़ यूज्ड एज अ ब्राउज़र, इनमें से कौन सा टर्म ब्राउज़र के तौर पे इस्तेमाल किया जा सकता है। क्या आपका ऑप्शन है नेटस्केप, www, लॉन्चर या ईमेल। तो यहाँ पर आपका जो सही जवाब है वो है लॉन्चर। लॉन्चर को वेब ब्राउज़र के तौर पे इस्तेमाल किया जा सकता है, लॉन्च करने वाला, वेबसाइट को लॉन्च करने वाला। इसके बाद 47वां सवाल है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ बेस्ड ऑन फर्स्ट वेब ब्राउज़र,
सॉफ्टवेयर मोजैक, कौन सा इसमें पहले वेब ब्राउजर जो कि मोजैक है उस पर आधारित है, ओपरा, नेटस्कैप नेविगेटर, इंटरनेट एक्सप्लोरर या गूगल क्रोम? तो जो आपका इंटरनेट एक्सप्लोरर है वो इससे रिलेटेड है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन एकदम से करेक्ट हो जाएगा। चलिए 48वां देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डेवलप्ड बाई एप्पल इनकॉर्पोरेशन? एप्पल इनकॉर्पोरेशन ने इनमें से कौन सी चीज़ को बनाया है, लिनक्स, ओपरा मिनी, सफारी या मोजिला? तो सफारी को यहाँ पर एप्पल इनकॉर्पोरेशन ने बनाया है, यहाँ पर सी ऑप्शन आपका एकदम से करेक्ट है। ठीक है, आप देखेंगे भी आईफोन में तो आपको सफारी ही मिलता है। चलिए अगला देखते हैं 49वां, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टेक्स्ट बेस्ड वेब ब्राउजर? इनमें से कौन सा टेक्स्ट बेस्ड वेब ब्राउजर है, मतलब जो टेक्स्ट पे आधारित वेब ब्राउजर है, इमेज वाला मामला वहाँ पर नहीं है? तो ओपरा मिनी या लिनक्स या सफारी या मोज़िला फायरफॉक्स, तो सब में इमेज आती है लेकिन टेक्स्ट बेस्ड आपका कौन सा है, लिनक्स है, यहाँ पर बी ऑप्शन सही है। चलिए आज का आखिरी सवाल, उम्मीद करते हैं ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, आप हमें अप्रिसिएट कर रहे होंगे, ठीक, क्योंकि एजुकेशन में अप्रिसिएशन कैसा होता है वो तो आप देख ही रहे होंगे। अ वेबसाइट दैट प्रोवाइड द रिक्वायर्ड डेटा ऑन स्पेसिफिक टॉपिक, मतलब ऐसी वेबसाइट जो किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे आपको डेटा प्रोवाइड करती है, मतलब जो आप ढूंढें आपको मिल जाए, ऐसा क्या डोमेन होता है, ईमेल क्लाइंट होता है, मॉडेम होता है या सर्च इंजन होता है? सर्च इंजन ही ऐसा होता है, वहाँ पर आप कुछ ढूंढते हैं तो आपको मिल जाता है। तो ये रहे आज के 50 सवाल आपके इंटरनेट से रिलेटेड, आगे मिलेंगे कुछ और नए सवाल के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।